खबर बिहार के सासाराम से है, जहां सासाराम में जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने अपने ही कार्यालय के समक्ष धरना दिया, साथ ही हड़ताल पर चले गए। इन लोगों का कहना है कि जब तक मधुबनी के एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार के साथ हुए दुर्व्यवहार और मारपीट मामले में ये लोग कार्रवाई चाह रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आरोपी एसडीएम पर जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक उन लोगों का विरोध जारी रहेगा। मधुबनी के डीएओ और अनुमंडल अधिकारी द्वारा थप्पड़ मारने का गंभीर मामला है, जिसकी वे लोग निंदा कर रहे हैं और एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। जब तक सरकार यह कार्रवाई नहीं करती है, तब तक वही लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे, जिसमें कृषि विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मी शामिल हैं। आज धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, ये मधुबनी की घटना के विरोध में हम लोग कर रहे हैं। मधुबनी में जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वहाँ के एसडीएम के द्वारा ये दुर्व्यवहार किया गया है, उन पर थप्पड़ भी चला दिया गया। इस चीज़ के विरोध में हम लोग यहाँ सासाराम में समस्त जो जिला कृषि परिवार है, इसमें सभी विंग है, सब लोग मिलके इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि जब तक उचित न्याय नहीं किया जाएगा, इस घटना के लिए जांच करके दोषी को दंडित नहीं किया जाएगा, वहाँ के एसडीएम को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन हड़ताल जारी रखें। ये कार्य भी बाधित है सर? हाँ, काज का कोनों से हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो काज भी बाधित है। तालाबंदी भी हुई है? तालाबंद नहीं है, लेकिन काज का बहिष्कार।